वेलकम बैक टू पैनल ए सुपर हीरोज अहोय, माय नेम इज तुषार। सो नाउ फॉर सम मिनी रिव्यूज ऑफ फैंटम 36 एंड 37। नाउ आई लाइक द फैंटम स्टोरीज इफ यू हैव सीन इन द पास्ट वेयर इट्स अ लिटिल मोर इंट्रीगिंग, बट दीज आर लाइक क्वाइट सिंपल स्टोरीज हाउ द फैंटम सेव द अर्थ। सो इट्स ग्रैंडपा मोज बेसिकली टेलिंग दैट हाउ मेनी टाइम्स इन द पास्ट, इट्स लाइक अ fairy tale, so how many times phantom has saved the earth from external threat, and there are these different creatures called four mighty gods of fire, water, air and earth, and as you can see the book is quite colorful and a lot of action is there, but ultimately it's quite like a fable kind of story. There's not like much intrigue or much of phantom elements that I liked, but the quality is good as always with Regal. So this is Phantom 36, how the phantom saved the earth. And now coming to number 37, the new book, it's called The Valley of the Elephants. So in this one, phantom saves life of a captain of a pilot. I think there's a storm, and then he takes him to his village, and then he sees lot of like ivory tusks. And this guy actually happens to be from a gang, and then what happens, you have to read the story. So this is something I preferred. I liked this story. It was again short length, but still not a bad phantom story. It's not very colorful, and I like this kind of color palette in phantom books. So it was overall a nice book, and it also is like very pro environment and about saving elephants. So overall not a bad book, The Valley of the Elephants. So this is Phantom 37 and Phantom number 36 from Regal. तो आज बात करते हैं विमानिका की, शिवा। जैसे कि काफ़ी बुक्स आती हैं, देर इज ऑलरेडी फोर बुक्स दैट हैव कम। तो आई डोंट नो ये नई बुक है या रीप्रिंट है या न्यू रिलीज है, बट अभी काफ़ी अच्छी इनकी एक डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी चल रही है राइट ऑर्डर के थ्रू। सो वी आर गेटिंग मोर ऑफ दीज बुक्स एंड मोर फ्रीक्वेंटली, और काफ़ी अवेलेबल भी हैं ये बुक्स, अमेजोन पे भी है। सो दिस इज़ कॉल्ड शिवा द लेजेंड्स ऑफ द इमॉर्टल जालंधर, और ये है क्षितिज पाड़ी ने लिखी है, और दिलदीप सिंह का यहाँ पे कवर आर्ट है। और अंदर देखें तो इसमें दिलदीप सिंह का ही आर्ट है, और कुछ आर्टिस्ट हैं भक्त रंजन जी के कलर्स हैं, और ये इसमें टीम है। आई डोंट नो ये अभी लिखी गई है या पहले, बट इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये काफ़ी अच्छी इसकी पेज लेंथ है जो बाकी की बुक्स आई हैं इसमें, शिवा द लेजेंड्स ऑफ द इमॉर्टल द डेथ। तो इनकी पेज लेंथ काफ़ी कम रहती थी, और 199 इसका प्राइस था। तो क्वालिटी तो हालांकि बहुत अच्छी रहती है इन सारी बुक्स की ही। मेरे पास एक दुर्गा नाम की भी बुक है, तो विमानिका डज ग्रेट work with these genre of books, पर इस बुक में मुझे खास बात अच्छी लगी कि इसकी पेज काउंट बहुत अच्छी है, कलर्स भी काफ़ी अच्छे लगे, एंड लुक्स लाइक अ वेरी न्यू बुक। और इसमें यहाँ पे ऐड भी है ये, तो ये अभी तक इसका ये के सेट आता है, शिवा ओरिजिन, शिवा डेथ, शिवा द मैरिज इन द स्लेयर, और शिवा गजानन। तो मेरे पास ये सारी बुक्स हैं, आई रियली एन्जॉय ये वाली बुक्स जो हमारी स्टोरीज़ हैं। एंड इसमें मेन प्लॉट है जलंधर का, जो शिवा शिवजी के एक जब वो एक लड़ाई हो रही होती है उनकी इंद्र से, तो उसमें एक फायर बॉल से वो क्रिएट होता है उनका, और एक काइंड ऑफ एन ईवल सन ऑफ शिवजी, और किस तरह वो असुरों के साथ में मिलते हैं, और उस तरह से इसमें काफ़ी जैसे हमारी पौराणिक कथाएं होती है काफ़ी मज़ा आता है। इसमें समुद्र मंथन की भी स्टोरी है, और काफ़ी बैक एंड फोर्थ होता है, काफ़ी मुझे अच्छी लगी ये स्टोरी, एंगेजिंग है स्टोरी, जैसे कि हमारे पौराणिक कथाओं में तो होता ही है, पर कॉमिक बुक में इसको काफ़ी अच्छे से लाया गया है, और कलर्स और ओवरऑल इसके जो स्टैंडर्ड हैं आई रियली लाइक्ड इट। और एक्शन भी काफ़ी है, शिव जी की बुक में तो होगा ही। तो दिस इज़ अबाउट दिस स्टोरी, दिस कॉमिक बुक जलंधर, हर हर महादेव। होप यू गेट दिस बुक इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ दिस जॉनरा, एंड आई रियली लाइक दिस। सो दिस इज़ माई रिव्यू ऑफ करणवीर शिवा लेजेंड ऑफ द इमॉर्टल जलंधर ऑन विमानिका।
brought to you by the right order. Thank you for watching. See you in the next one.